हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ देगी कोरमा की रेसिपी, जो बिल्कुल शादियों जैसा दानेदार बनेगा और वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। देगी कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है तेज़पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग। अब इन सभी खड़े गरम मसाले को हल्का सा सॉटे करना है फ्यू सेकंड्स के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर इसे चम्मच चलाते हुए अच्छे से कुक करना है, जब तक कि जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है वो चली जाए और इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। तो देखिए, अच्छे से ये भुन गया है, इसे भुनने में लगभग 5 मिनट लगे हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन। तो मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है, आप विद बोन भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। तो देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने देगी लाल मिर्च ली है, इससे कोरमे में बहुत ही अच्छा कलर आता है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, दही, और दही को जो है ठंडा बिल्कुल नहीं डालना है, अच्छे से फेंट कर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही डालना है। फ्रिज का दही अगर आप इसमें डालेंगे तो आपकी ग्रेवी जो है वो फट जाएगी। और दही डालने के बाद हमें अच्छे से इसमें चम्मच चलाते रहना है लगभग 5 मिनट के लिए, वरना ग्रेवी जो है इससे फट जाती है और कोरमा जो है ख़राब हो जाता है, उसमें वो टेक्स्चर नहीं आ पाता है जो कोरमे वाला होता है। तो इसको अच्छे से चलाते हुए हमें भूनना है, जब तक कि मसाला जो है अच्छे से चिकन पीसेस पर लग जाए। तो देखिए, मसाला यहाँ लगभग भून गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसे इस पर दम पर लगाऊंगी। दम पर लगाने का 10 से 15 मिनट इसके लिए मिनिमम 10 से 15 मिनट हमें इसे लो फ्लेम पर दम पर लगाना है। एकदम परफेक्ट टाइम है, आप इसे 10 से 15 मिनट देखकर दम पर लगा दें लो फ्लेम पर। तो यहाँ मैंने पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दूंगी लो फ्लेम पर। तो देखिए, कोरमा हमारा 80% कुक हो गया है। अभी जो आपको इसमें पानी दिख रहा है, अभी मैं इसमें ब्राउन प्याज डालूंगी, जो कि मैंने पहले से कर ली है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। इसको आपको हाथ से ही क्रश करके डालना है। जो ये कोरमे का दाना जो होता है वो मिक्सी से पिसी हुई प्याज से नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। इसको प्याज को अच्छे से आप जो ब्रिस्ता बोलते हैं इसको अच्छे से आप फ्राई करें। इसको आपकी मेरे चैनल पर भी इसकी रेसिपी मिल जाएगी ब्रिस्ता की, उसको हाथ से अच्छे से तोड़कर इसमें वो डालना है। इसी की वजह से जो कोरमे में दाना है वो आता है। देखिए कितने अच्छे से कोरमे में दाना आ गया है। तो कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास एसेंस है तो मैं डाल दूंगी 2 से 3 ड्रॉप इसकी डाल दूंगी। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं लगभग इसमें। अब कोरमा बिल्कुल तैयार है, गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। तो देखिए, एकदम दानेदार परफेक्ट देगी कोरमा बनकर तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आपको मेरी ये देगी कोरमा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें।